राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश से 7 जिलों को चुना गया था, जिसकी सूची में फिरोजाबाद का नाम भी शामिल था। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आज फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा सुभाष तिराहे से लेकर स्टेशन रोड तिकोनिया मार्ग तक उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने हवन यज्ञ में आहुति देकर इस कार्य का शिलान्यास किया, जिसमें महापौर नूतन राठौर, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, नगर विधायक मनीष ससीजा के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। 31 करोड़ की लागत से बनने वाली स्मार्ट रोड में नगर निगम के अलावा विद्युत विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की भी सहभागिता रहेगी। इसमें पीडब्ल्यूडी नोडल अधिकारी के रूप में अपने कार्य को अंजाम देगा। स्मार्ट रोड पर लगभग 1 दर्जन से अधिक डैमेज पॉइंट बनाए जाएंगे। स्मार्ट रोड पर जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए ई रिक्शा स्टैंड की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सड़क के इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और डिवाइडरों का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट रोड पर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट शौचालय भी बनाने का प्रावधान है। समन्वय सहयोग एक दूसरे के प्रति हम लोगों का दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए दोनों को बहुत बहुत मेयर साहब को बधाई और बधाई। तो मैं कामना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ये समन्वय, ये सहयोग, ये आपसी भाईचारा, एक आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का एक परिवार की तरह अगर यही बना रहेगा तो कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का बताओ होगा। तो सारी बजा के दोनों का स्वागत के मौके पर बहुत बहुत बधाइयां। और मैं हमारे लिए विधायक जी से अनुरोध करूंगा, वो भी अपना एक शुभकामना संदेश हम सबको इस पूरी अवसर पर पुण्य अवसर पर देने का कैसे करेंगे। आदरणीय लोकप्रिय सदर विधायक मंत्री मणिपुर जी द्वारा जिसका अभी हमने माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री जिनके कर संघ द्वारा आज दूसरी जो योजना है स्मार्ट रोड की हमारी, जिसमें जो निर्माण कार्य हो रहा है वो जैन मंदिर से लेकर विवेकानंद चौराहा होते हुए स्टेशन रोड से तिकोनिया तक ये 1700 मीटर लंबी जो रोड है, जिसका स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। और मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पर जो ये योजना है और जिसमें ये कार्य स्वीकृत हुआ है, इसमें इस सड़क के दोनों ओर नए नाले बनाए जाएंगे, जिससे जल भराव की समस्या खत्म होगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1700 मीटर की एक सड़क बनने जा रही है। माननीय मंत्री जी, यहाँ पर पूरे निगम के पार्षद भी हैं, महापौर जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं। मैं आप सबके सामने एक बात बताना चाहता हूँ, हमको इस काम की गुणवत्ता और इसमें होने वाली कोई भी छोटी वाली लीकेज हर हालत में रोकनी होगी।